वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि 5 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 625 है, तो हमें n प्लस 3 होल टू द पावर 1 बाई 3 का वैल्यू फाइंड करना है। सो उसके लिए हमें पहले n का वैल्यू फाइंड करना होगा। सो 5 टू द पावर n प्लस 2 है, सो 625 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। अब बेस सेम हो गया है सो पावर सेम होगा, सो n प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। Therefore, n का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो n 2 है तो हम इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 होल टू द पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज 5। सो 5 टू द पावर 1 बाई 3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।